गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, हमने भाषा के रूप तक पढ़ लिया था, अब हम आगे का पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज डेट है 23 जुलाई और डे है आपका थर्सडे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है बच्चों? कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और पंजाबी की गुरुमुखी है। तो बच्चों, आपको समझ में आया लिपि होती क्या है? कि लिपि जो है किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये ही चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? या भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों को प्रयोग किया जाता है, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, संसार में अनेक भाषा प्रचलित हैं जो प्राय भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ राज्य और भाषाएँ, उन राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वो इधर लिखा हुआ है। तो आपको इसको बेटा लर्न करना है साथ के साथ। चलिए, अब है आपका व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? ऊपर दिए गए चित्रों में कमरे में सामान बिखरा होने के कारण कमरे की व्यवस्था का सही पता नहीं चल रहा है, जबकि दूसरे कमरे में सही सामान लगा होने से वह समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार बोली जाने वाली भाषा को यदि अशुद्ध रूप से बोला जाए तो कभी समझ में नहीं आएगा, और व्याकरण इसे एक सही व्यवस्थित रूप देता है। यानी व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका। ये एक्सरसाइज देखिए बच्चों, यहाँ पर क ख ग और घ और ये पीछे। तो आपको इसमें क्या करना है, इस ख के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूँगी। और आपको ग वाला पोर्शन देखिए, ये अशुद्ध रूप लिखे हुए, इनको शुद्ध रूप में लिखना है। मैंने ये लिख दिया है, आप देख लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। घा वाला देखिए, मिलान कीजिए, नाव चलाओ, नावों पर लिखी भाषाओं को रेखा खींचकर राज्यों से मिलाइए। जैसे पंजाबी है तो किस राज्य में बोली जाती है? पंजाब में। तो यहाँ आपको रेखा खींच के, लाइन खींच के इसे मिला देना। यह आपको बेटा स्वयं करना है, खुद करना है आपको। और नेक्स्ट पेज है आपका, निम्न चित्र भाषा के जिस रूप को प्रकट करते हैं उसके दिए गए स्थानों में लिखिए। तो मैंने आपको बताया था भाषा के रूप, तो आप ये स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपका घ और ये अण, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। और आपका इसके प्रश्न था मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 हिंदी व्याकरण का ही वर्ण विचार पढ़ेंगे।